शाजापुर जिले की सुजालपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम नेपानिया धाकड़ के कुछ किसान अफलन हुए सोयाबीन की फसल को काट कर फेंक रहे हैं। वहीं बेकार हुई फसल को धाकड़ नेपानिया सहित आसपास के ग्रामीण लोग अपने अपनी फसल को लेकर कलेक्टर कार्यालय सर्वे कराने की मांग को लेकर पहुंचे। जब किसानों ने कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र रावत से फसल सर्वे कराने के लिए कहा, तभी कलेक्टर रावत द्वारा 2-3 दिन में सर्वे कराने की बात कही। इसी बात से नाराज होकर किसानों ने एबी रोड पर करीब 15 मिनट तक चक्का जाम किया। किसानों का कहना था कि सर्वे आज से ही प्रारंभ किया जाए। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों पर खतरा मंडराने लगा है। हम पूरा शाजापुर जिला से मतलब बेरछा पंचायत से बेरछा टप्पा बेरछा से सब किसानों ने इकट्ठा होकर आया है। 5-10 गाड़ी लाया है, कोई ट्रैक्टर से आया, कोई टाली से आया है। हमारी मांग यह है कि सोयाबीन सारी बांझ रह गई हमारी, इसलिए हम आए हैं। तो हमारा शीघ्र जल्दी सुनवाई करे कलेक्टर साहब से निवेदन है। हमारा कोई भीख मांगने नहीं आया है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने क्या कि अभी तो कुछ भी नहीं किया, हमने एप्लीकेशन बनाई है, अब हम दे के आएंगे और प्राप्ति लाएंगे उनसे। क्या नाम है आपका? बंसीलाल गुजर उदली। मैं चंद्र सिंह सेंदो ग्राम दिल्लोद का हूँ। हमारी सोयाबीन की पूरी फसल नष्ट हो गई है, इसलिए हम शासन से मांग करते हैं उसका सर्वे करें और हमारा फसल बीमा और मुआवजा दिया जाए। पूरे पूरे गांव की, पूरे शाजापुर जिले की फसल खराब हो चुकी है, तो इसलिए हमारा निवेदन है कि उसका सर्वे किया जल्दी से। जी, हमारे सोयाबीन बांध रह गए हैं और किसानों की यह हालत हो गई है, बर्बाद हो गए खेती में और खाद भी डाल डाल के परेशान हो रहे हैं। और हम यहाँ आए हैं कलेक्टर ऑफिस में ना, को 8 दिन में आपका सर्वे करवा देंगे और 8 दिन में किसान क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपसे निवेदन, अभी सर्वे होना चाहिए। एडीएम सब मिले थे, उनसे मिले, उनको भी हमने निवेदन दिया और हमने लेखी में दिया उनको और प्राप्ति भी। जिले में हुई अतिवृष्टि से किसानों को सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, पौधों में आफलन के हालात है, इससे किसान परेशान है और फसल सर्वे की मांग कर रहे हैं। SDM US मोरावी मौके पर पहुंचे और किसानों की समझाइश देकर जाम खुलवाया। क्या निर्देश दिए थे? फसलों को जो देखते हुए जो दवा फलन की और जो पानी भराव की स्थिति है, ज़्यादा अधिक वर्षा होने के कारण, तो इस संबंध में सर्वे के निर्देश हमने कल ही दे दिए थे और सर्वे प्रारंभ है अभी। अच्छा, तो बारिश फसलों के बारे में क्या किसानों का ये कहना था कि सर्वे के आदेश तत्काल दिए जाए, तो मैं वैसे तो कल ही दे चुका था मैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने चक्का जाम किया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि सर्वे नहीं हो रहा है, तो सर्वे प्रारंभ है और धैर्य रखना चाहिए, किसानों को धैर्य रखे और सभी का सर्वे होगा। जिनका भी नुकसान हुआ है तो बीमा से या 26,000 के तहत जो भी सहायता राशि है वो दी जाएगी। थैंक यू। क्या हो गया? सब बांध दी की बच्चा बच्ची कैसे पालूं? मजबूर हो गए तुम्हें तो क्यों बांध कैसे रह गई? अब ये कुदरत की मेहरबानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये साहब को अवगत कराना है, कलेक्टर साहब के पास आए हैं। समस्या नहीं है क्या? इसका मुआवजा करवाना, सर्वे करवाने के लिए सर्वे कराऊंगा सर। अफसी पटेल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत निपण्या धाकड़। गांव के सभी किसान सोयाबीन में बांझपन की शिकार लेके कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। पूरा गांव में फसल 55 दिन की हो गई है और सभी किसानों ने सभी तरह की वेरायटी फसल लगाई थी, लेकिन किसी फसल में आज तक ना तो फूल आए और ना फली आई और 55 दिन की फसल हो गई है। और गांव के आसपास के भी जितने भी गांव में, कम से कम 20-25 किलोमीटर के गांव में, गांव के नाम बताएं आसपास कौन कौन से गांव है? अपना घटिया कला है, आसेर है, टांडा है, सुल्तानपुरा है, गोयला है, छापरिया बड़ोदिया, टांडा उमरोद, आसेर टांडा, कासम खेड़ी, कल्याणपुरा, ऐसा आसपास करवाया। फसल बीमा अपने हर किसानों ने करवाता है, KCC में करवाते हैं, जिसका KCC नहीं वो प्राइवेट बीमा करवाते हैं। तो यही मांग लेके कलेक्टर साहब के पास में आए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिले। फसल बीमा कंपनी को कभी कॉल किया आजकल? कभी अभी तक तो नहीं करा, लेकिन पहली बात तो हम कलेक्टर साहब को अवगत करा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर हमारी मांग सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे हम, ताकि किसान अपनी आने वाली फसल की तैयारी करें, क्योंकि किसान पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है और ये फसल भी सारी नष्ट हो गई है। अगर ये फसल नष्ट हो गई तो अगली फसल की कैसे तैयारी करेंगे? न्यूज़ इंडिया A9 पोलाकला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट।